welcome back to another vlog. So this is your boy Shayan Shany. If you are new here, first subscribe, share and pull the notification button on. तो आज जिस गाड़ी का रिव्यू में लेकर आया आप लोगों के सामने, ठीक है, ये है NX 300h Lexus की, जो कि आती है SUV और ये हाइब्रिड के अंदर, और ये है 2500cc और 2018। तो जी स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी का रिव्यू। ये है इस गाड़ी का रिमोट, ठीक है, आप देख सकते हो Lexus का, ठीक है। तो आप लोगों को लॉक और अनलॉक करके भी दिखाता हूँ। ये यहाँ से गाड़ी ये हो जाती है अनलॉक और यहाँ से हो जाती है ये लॉक और यहाँ से इसका ट्रंक भी खुलता है। और उसके अलावा आप हाथ रख के भी इस गाड़ी को खोल सकते हो। गाड़ी खोलने के साथ ही इसके रिट्रैक्ट मिरर भी खुल जाते हैं। और जी गाड़ी जब खुलती है तो फिर जो मज़ा है अंदर इंटीरियर का, लेकिन इंटीरियर से पहले इसका आगे से आपको दिखाऊंगा बोनेट। तो चलते हैं फ्रंट की तरफ और आपको दिखाता हूँ इसका बोनेट। तो जी चेक कीजिए, कोई आपको वो नहीं चाहिए स्टैंड इसको ग्रिप करने के लिए, ऑटोमेटिक सस्पेंशन के साथ ऊपर हो जाता है। और ये है जी इसका इंजन रूम, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप इसके इंजन रूम पे देखो तो इस पर लिखा हुआ है Lexus हाइब्रिड ड्राइव, ठीक है। तो ये है 2500cc के अंदर और ये आती है F Sports के अंदर, जो ये वर्जन के अंदर है। तो ऑल ओवर लुक की आप बात करें तो जी गाड़ी का आप फ्रंट लुक देख सकते हो, ठीक है। गाड़ी की लाइटें स्मूथ जो होती है, ब्लैकिश अंदर आपको जो है ना एक लुक मिल जाता है। ये आप देख लो, एक विंकर की लाइट आ गई, ठीक है। और ये ही जो है इसकी LED भी है स्मॉल में, ठीक है। गाड़ी का फ्रंट का बम्पर आप चेक कर लो, सेंसर आ गए। ग्रिल वही Lexus की एज यूजुअल जो Lexus के अंदर आती है हमेशा से। मतलब यार स्पॉइलर रेप आउट क्लास, मतलब लाइक लेवल ही अलग है इस गाड़ी का, ठीक है। फिर साइड मिरर की बात कर लेते हैं। साइड मिरर आपको जो है ब्लैकिश मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको मिलता है कैमरा, क्योंकि ये गाड़ी जो है 360 कैमरा के साथ है, जो कि हर तरफ इसके कैमरा है। इस गाड़ी के अंदर जो टायर आते हैं ये आते हैं 18 इंच के Lexus के रिम के साथ, ठीक है। और इस वक्त इस गाड़ी के अंदर जो टायर डले हुए ये डले हुए Bridgestone के, और Lexus का लोगो आप यहाँ पे देख सकते हो, बेहतरीन लुक दे रहा है। आप लोगों को दिखाता हूँ बैक की तरफ। ओ हाँ, बैक पे जाने से पहले आप लोगों को साइड का लुक ही दिखाना भूल गया यार मैं, सॉरी। आप देखो जी साइड पे बात करो आप तो नीचे आप देखो जी ब्लैक का प्लास्टिक मिलता है जी। ये जो है साइड स्कर्ट्स की तरह काम करता है, जो इधर प्लास्टिक इसके लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हाइब्रिड का लोगो, ठीक है। और सेम एज इट इज़ बैक फेंडर की बात करो, जो बैक टायर पे होते हुए भी एक आपको प्लास्टिक का आपको यहाँ पे भी जो है ना स्कर्ट मिल जाता है, जो कि कवर करता है इस बॉडी को किसी डस्ट से, ठीक है, और बारिश के पानी से या कोई पत्थर वत्थर नीचे आपकी गाड़ी स्पीड में चल रही हो तो उसे टकराने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसकी बैक की। बैक पे आप टेल लाइट चेक करो यार, इसका अलग ही लुक है। मतलब Lexus का जो एक जो मायने में जो Lexus कहते हो ना आप, वो आपको यहाँ पर फील देता है, ठीक है। ये आ गया लुक। और ऊपर आपको जो है ब्लैकिश क्रोम पे आपको जो है ना कलर हुई है इसकी लाइट, ठीक है। Lexus का लोगो आ गया हाइब्रिड का, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो NX 300h जो कि हाइब्रिड का शो करती है, ठीक है। अब इसकी ट्रंक खोल लेते हैं। ओ सॉरी, इसकी ट्रंक एक प्रेस करने से खुलती है यार, ऐसी नॉर्मल गाड़ी थोड़ी है। मतलब आप बूट स्पेस चेक करो है कि नहीं, मतलब आराम से आप लेट ही जाओ बस, तो सर ही टकरा गया। अच्छा आप लोगों को पीछे ट्रंक दिखा देता हूँ। ट्रंक के अंदर आप नीचे देखो, आपको यहाँ भी काफ़ी बूट स्पेस मिल जाता है रखने के लिए सामान, ठीक है। और इसको दोबारा बंद करने के लिए आपने बटन प्रेस करना है और जी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, है ना। जादू जादू है, जादू और क्या। चलो जी आप लोगों को दिखाते हैं इसका इंटीरियर। दरवाज़ा खोलते के साथ ही ब्लैकिश लेदर, फुल लेदर, मतलब अलग ही फीलिंग है इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। यहाँ आपको प्लास्टिक है, ठीक है, ये आपको लेदर मिल गया। यहाँ पे भी प्लास्टिक है, ऊपर आपको जो है लेदर मिल जाता है। और यहाँ पे ये है गार्निश, ठीक है, जो कि है कार्बन गार्निश, ब्लैक सिल्वर, ठीक है। इसके यहाँ पे स्विचेस की बात कर लो, उसके अंदर भी आपको सिल्वर गार्निश यहाँ पे भी मिल जाता है, ठीक है, जो कि नॉर्मली अगर कोई लो ग्रेड गाड़ी हो तो उसके अंदर आपको नहीं मिलता है, लेकिन Lexus के अंदर आपको ये चीज़ें लाजमी मिलती हैं। तो अब बात कर लेते हैं, आ जाओ भाई थोड़ा सा और करिए स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग स्मूथ एज इट इज, मतलब लेक्सस है यार। और फिर यहाँ पे आपको लोगों मिल जाता है जो कि आपको कहता है एफ स्पोर्ट्स, मतलब कि भाई ये गाड़ी जो है स्पोर्ट्स वर्जन है, ठीक है। उसके बाद वेंट, यहाँ पे आपके सारे स्विचेस आ गए, ठीक है, जहाँ से आप अपना ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, ठीक है। इसके अंदर जो है स्टीयरिंग के अंदर हीटर लगा हुआ है, ठीक है, आप उसको हीट कर सकते हो अगर ये बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी हो रही है। दूसरा अपनी यहाँ की जो सीट है उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑटो ट्रिप वगैरह आप सेट कर सकते हो, स्पीडोमीटर की आप जो भी एडजस्टमेंट है, लाइट कितनी डिम करनी है, कितनी तेज़ करनी है। दूसरा एक्सीडेंट कोलिजन के लिए यहाँ पे इसके मिरर्स के अंदर यहाँ पे जो है सेंसर्स लगे हुए हैं, जो कि आप यहाँ से इसको स्विच ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप इसका साइड मिरर अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगा हुआ है, ये बड़ी लेन से आउट हो रही होगी तो ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू कर देगा, जो कि आपको बताएगा कि आपकी गाड़ी लेन से आउट हो रही है। और आपका जो डिजिटल मीटर है, जो गेज क्लस्टर है, उसके अंदर भी आपको जो है एक इन्फो के तौर पे आपको वो एक अलर्ट दे देगा, तो आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हो। तो ये दरवाजे के अंदर स्पीकर के ऊपर भी आपको यहाँ पे सिल्वर गार्निश मिल जाती है, ठीक है। फिर आप यहाँ से अपनी सीट की एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, ये 3 बंदों की सेटिंग कर सकते हो। हर बंदा अपने हिसाब से 3 लोग इस पर इंडिविजुअली अपने हिसाब से सीट की सेटिंग कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे अगर आप इस सीट की बात करो तो सीट के अंदर भी आपको यहाँ पे स्विचेस मिल जाते हैं, जिससे आगे पीछे आप कर सकते हो, इसको टिल्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये अगर आपकी कमर में दर्द हो रहा है तो अगर आप इसको प्रेस करते हो तो यहाँ पे, तो आप अगर इसको प्रेस करते हो तो आप ये देखो, ये थोड़ा सा स्पंज यहाँ पे निकलता है जो कि आपकी कमर को और एडजस्टमेंट देता है और ग्रिप दे देता है आप जब सीट पे बैठते हो। फिर लेदर सीट आपको मिल जाती है जो कि आपको बहुत अच्छी फीलिंग देती है जब ये आप ड्राइव कर रहे होते हो, ठीक है। और यहाँ पे जी लेक्सस की लोगों की आपको फिर पट्टी मिल जाती है, सेकेंडली इसका मैट एफ स्पोर्ट्स, ठीक है। और आप पैरों में अगर बात करो, एक्सीलेटर, ब्रेक और वहाँ पे आप फुट रखने के लिए, तो वहाँ भी आपका जो है सिल्वर गार्निश आपको मिल जाता है। जी अब स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं। स्टीयरिंग का मैंने आप लोगों को बता दिया कि जी देखो जी लेदर है, ठीक है, सीटेड इसकी लेदर्स हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्विचेस मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपको मोड्स मिल जाते हैं। आप यहाँ से इसकी वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, चैनल चेंज कर सकते हो, ब्लूटूथ लगा हुआ है, ठीक है, एयरबैग्स आ गए, ठीक है। यहाँ से आप इसके कोलिजन्स वगैरह सेट कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें। और प्लस आप इसका क्रूज कंट्रोल जो है वो यहाँ पे इसके स्टीयरिंग पे लगा हुआ है, यहाँ से आप इसका क्रूज कंट्रोल लगा सकते हो, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त इसका डिजिटल मीटर है, स्टार्ट करके आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा, उससे पहले आपको गाड़ी के फीचर्स बता रहा हूँ। प्लस माइनस के लिए यहाँ पे आपको मैनुअली आप ड्राइव शिफ्ट कर सकते हो अपनी गाड़ी, ठीक है। प्लस सेंटर में आप बात करो, उससे पहले यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट का पावर का बटन आपको यहाँ मिल जाता है। और इसका जो ऊपर का पूरा डैशबोर्ड है ये पूरा लेदर है, जिस पे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। लेक्सस की क्लॉक मिल गई, ठीक है। एसी का आपको यहाँ पे जो है ये एनालॉग टाइप का एक आपको डायल मिल जाता है, जो कि सिर्फ आप प्रेस करो ऊपर नीचे तो आप यहाँ से इसका टेम्परेचर कंट्रोल सेट कर सकते हो, उसका फ़ैन कंट्रोल सेट कर सकते हो, आपको वेंट कहाँ पे रखनी है, ठीक है। और सेम एज इट इज़ पैसेंजर के लिए। फिर ड्यूल आ गया, एसी आ गया, बाहर की वेंट लेनी है, अंदर की वेंट लेनी है, फ्रंट पे यहाँ पे आपको सारे स्विचेस मिल गए। इसके अंदर ईओन है, ठीक है, जो कि एसी की हवा को और ज़्यादा साफ करता है जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हो। सेंटर में बात कर लेते हैं। सेंटर के अंदर आप देख लो जी, एक प्यारी सी आपको यहाँ पे मिल जाती है नॉब, ठीक है, जिससे आप इसके गियर लगा सकते हो, ठीक है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। और यहाँ पे आप अगर करते हो तो फिर आप मैनुअली गाड़ी यहाँ से आप गियर निकाल सकते हो और गियर डाल सकते हो, ठीक है। इको मोड पे भी आप चला सकते हो, नॉर्मल मोड पे भी चला सकते हो, स्पोर्ट्स मोड पे भी चला सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हो, ईवी मोड यहाँ से ऑफ कर सकते हो, यहाँ से इसका हैंड ब्रेक रिलीज कर सकते हो, ठीक है। और आप इसको ऑटो पे भी रख सकते हो, जैसे कि अभी मैंने दबाया और ये लग गया है तो ये रिलीज होगा होल्ड करने से, ठीक है। आप जो इसका नेविगेशन है वो आप यहाँ से स्विच कर सकते हो, यहाँ पे आप कर्सर होता है, यहाँ से आप इसको आगे पीछे उंगली करोगे तो वहाँ पे आपका जो कर्सर है वो काम करेगा, मैप, मेन्यू और ये पीछे के लिए। एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ अब आपको दिखाता हूँ, एक ये चीज़ लगी हुई है, इसको अगर आप पुल करते हो तो आप देखो इसके अंदर जो है शीशा है ना, ज़बरदस्त चीज़, मतलब यार अलग ही मतलब लेवल है यार इस गाड़ी का, ठीक है। कप होल्डर्स 2 आ गए। सेंटर में आर्म रेस्ट बड़ा सा और खोलो तो इसके अंदर आपको स्टोरेज बॉक्स मिल जाता है और USB मिल जाती है, ऑक्स मिल जाती है और सिगरेट लाइटर सॉकेट मिल जाता है। ठीक है, नीचे आपको CD चेंजर मिल गया। ठीक है, ग्लव बॉक्स यहाँ पे आपको एक बड़ा सा मिल जाता है। ठीक है, जिसको आप प्रेस करो तो उसके अंदर एक आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज मिल जाता है। फिर इस गाड़ी के अंदर आता है सनरूफ, जो कि आप मैनुअली इसको यहाँ से यूँ खोल सकते हो। फिर उसके बाद ये और ऊपर सनरूफ खोलने के लिए यहाँ पे स्विचेस लगे हुए, आप यहाँ से प्रेस करते हो तो ये सनरूफ आप इसकी ओपन क्लोज कर सकते हो। तो जी ये है इसकी सनरूफ का, वाव लेवल ही अलग है ना। इसकी लाइट खोलने का बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप इस पर यूँ करके प्रेस करो सिर्फ उंगली तो ये खुल जाता है और ये बंद हो जाती है लाइट। मतलब यार अलग ही इसका जो है ना लेवल है। जो इसके अंदर रेयर व्यू मिरर लगा हुआ है ये भी जो है आउटो है। हाई बीम की लाइट पीछे से कोई आ रही है, आप इसको दबा दो तो ऑटोमेटिकली ऐसा सिस्टम हो जाता है कि आपको हाई बीम की लाइट आंखों पे नहीं पड़ती। सनवाइजर्स अगर आप खोलो तो इसके अंदर यहाँ पे आपको लाइट भी मिल जाती है और यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है। जो एयरबैग्स का है ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब छत भी जो है ना आपकी पूरी, ये आपको जो है फैब्रिक की छत मिलती है इस गाड़ी के अंदर। मतलब यार लेवल ही अलग है लेक्सस का। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं बैक सीट की। तो जी बैक सीट के अंदर आप देख लो बहुत ज़बरदस्त स्पेस आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद बैक सीट भी आप यहाँ से इसकी टिल्ट कर सकते हो, यहाँ से बटन आप दबाओ और पीछे कर सकते हो। ठीक है, सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, जिसके अंदर आप ये खोलो तो आपको 2 कप होल्डर्स मिल गए और पीछे बैठने वालों के लिए यहाँ पे वेंट दी हुई है, जहाँ से आपको AC की हवा आएगी और आप इसको क्लोज भी कर सकते हो, बंद खोल भी कर सकते हो। जब आप पीछे बैठते हो, आगे की सीट का जो आपको लेदर है वो आपको फील देता है यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा, अगर आप उसको टच करो तो स्टोरेज का सीट के अंदर ही आपको जो है एक जगह मिल जाती है जिधर आप अपनी चीज़ें भी स्टोर कर सकते हो, सेम एज इट इज लेफ्ट साइड पे भी। और आप दरवाजे की बात करो पीछे की, तो ऊपर जो है आपको लेदर मिल गया। ठीक है, नीचे जो है आपको प्लास्टिक मिल गया, सिल्वर क्रोम कार्निश। ठीक है, और यहाँ भी यही पट्टी है सिल्वर क्रोम कार्निश की। तो अब जी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो जी प्रेस किया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते के साथ ही इसका स्टेयरिंग जो है पीछे आ जाता है। ठीक है, और आप ये देखो लेक्सस का जो लोगो आया है इसकी स्क्रीन के अंदर, ये है जी इसका डिजिटल ओडोमीटर कहलाता है। ठीक है, मतलब यार अलग ही लेवल है इस गाड़ी की, है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो स्पोर्ट्स मोड पे जब आप डालते हो देखो रेड हो गया, अभी ये हो गया नॉर्मल, और आप लेफ़्ट पे करो तो ये इको पे चला गया। ठीक है, और इसके स्क्रीन पे भी आपको बताता है। ठीक है, ये स्पोर्ट्स आ गया, ये स्पोर्ट्स प्लस आ गई गाड़ी। अगर ये विंकर बंद करो तो ये है LED लाइट जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जी, जिसको आप कह सकते हो पार्किंग लाइट। ठीक है, और इस वक्त जो है इसकी LED लाइट ये वाली बल्ब की भी अभी जल रही है। ठीक, बाकी टेल लाइट भी मैंने इस वक्त जलाई हुई है इसकी। तो जी ट्रूथ ऑफ द मोमेंट, अब मैं ड्राइव करने लगा हूँ गाड़ी। ठीक है, तो ये डाली है गियर के अंदर और स्टार्ट करते हैं इसकी ड्राइव। अगर स्पोर्ट्स मोड की बात करो तो मैं वैसे चाह नहीं रहा था कि इसको स्पोर्ट्स मोड में डालूँ, पर ठीक है थोड़ा सा आप लोगों के लिए सिर्फ एक नॉर्मल स्पोर्ट्स मोड पे देख रहे हो, ये सिर्फ स्पोर्ट्स मोड है। ठीक है, और अगर इसको प्लस और स्पोर्ट्स मोड पे करता हूँ, ये अभी प्लस और स्पोर्ट्स मोड पे, एक मिनट अभी आपको दिखाता हूँ। तो जी ये है अभी स्पोर्ट्स मोड प्लस पे, तो अभी आप चेक करना। ठीक है, अभी 0 और मतलब बस कुछ सेकंड्स के अंदर जाती है ये। 100 लेवल है इस गाड़ी का अलग ही। खैर हम चलाते हैं जी इसको इको मोड पे तमीज से। तो आई होप आप लोगों को मजा आएगा ये वीडियो देख के, तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।